नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कमोडिटी के लिए है एंड कमोडिटी आउटलुक के लिए है, जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे मैंने अपने ये यहाँ पे कमोडिटीज के जो वीडियोस है लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के या लाइव कॉल्स के जो मैंने शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीक थोड़ा पैनिक ज्यादा है तो लेट अस मेक अ वीडियो ऑफ द कमोडिटी आउटलुक कि गोल्ड सिल्वर में व्यू क्या रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, आई एम हैविंग अ सेल सिग्नल इन गोल्ड सिंस दिस लेवल राइट नाउ। आज जो इसने आज का जो ट्रिगर दिया 49,600 का आफ्टर है भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा, चूंकि अपने वीकली बात कर रहे हैं, इंट्राडे बात नहीं कर रहे हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे के ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहे, तो मैं ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करूंगा। आई विल टेक इट टू आवरली एंड आई विल मेक इट 30 मिनट्स, दैट विल बी गुड इनफ और मे की और वी कैन टेक इट एज अ डेली ऑल्सो। ठीक है, ओके, तो नाउ लेट अस सी कि कैसे क्या चीजें हैं इसमें। अब आप जैसे देखोगे कि एज पर माई DTTS ट्रेडिंग सिस्टम, आई हैड अ सेल कॉल, फर्स्ट सेल कॉल इन गोल्ड 13 सितंबर एट अराउंड 3 PM कैंडल एट दिस लेवल 50,456। तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा 50,700 एंड वी राइट दिस ट्रेंड टिल हियर। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पे करें, नहीं करना है नहीं करें, देन द स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड हियर। आप यहाँ पे 48,986 तक आपने देखा, यहाँ पे 1,000 पॉइंट का ये गैप आया। तो ये अब आप देखोगे कि इसको मैं राइड कैसे करता हूँ। दिस इज द राइडिंग, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कट गया। ये जो मेरा एक छोटा मूविंग एवरेज साथ में आ रहा है ना, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा मैं यहाँ पे ट्रेड काट दूंगा, नॉट हेयर 48,945 नहीं, बट आई विल एग्जिट हेयर। तो ऑलरेडी वी मेड ए प्रॉफिट हेयर एंड द सेल सिग्नल वॉज स्टिल देयर, बट वी मेड ए प्रॉफिट हेयर एंड नाउ अगेन आई हैव नॉट गॉट ए सेल सिग्नल हेयर। मेरे को अभी यहाँ पे सेल सिग्नल मिला नहीं है, ठीक है, ना कोई बाई मिला ना सेल मिला, दैट मीन्स इट्स इन न्यूट्रल जोन। ठीक है, अब अगर मैं इसको डेली में देखता हूँ तो डेली में गोल्ड ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, अपने चेंज इन पोलैरिटी सपोर्ट जोन को तोड़ दिया एंड नाउ आफ्टर अ डीप करेक्शन देयर वाज अ रिटेस्ट ऑफ दिस लेवल, जिसको बोलते हैं, मैंने कहा कि रिटेस्ट ऑफ दिस लेवल, देन इट्स अ रिटेस्ट ऑफ दिस लेवल। और जिसको कि गोल्ड ने कल के रैली को पूरा एकदम रिटेस्ट करके आज एकदम इंगल्फ कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट में शिफ्ट करता हूँ ना दोस्तों, सी नाउ आपको पिक्चर बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि एज पर चेंज इन पोलैरिटी वी हैव दीस सपोर्ट जोन्स हियर 47,331। तो गोल्ड को कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन और मिलना चाहिए एंड इट शुड टेस्ट दीस सपोर्ट जोन्स ऑफ 47,300 और 500 और लेवल। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा गोल्ड पे जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा दैट विल बी बियरिश। आप गोल्ड में देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मेरा 30 मिनट्स कांस्टेंट सेल सिग्नल दे रहा है कांस्टेंट। अगर मैं इसको और 15 मिनट्स कर दूं, 15 मिनट्स में यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ 49,600 एंड नाउ इट इज रीलिंग रीलिंग वेरी बैडली। तो मैं इसको 30 मिनट्स रखता हूँ, 30 मिनट्स में वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल 49,383। स्टॉप लॉस जो रहेगा आवर्ली के हिसाब से रहेगा, आवर्ली में क्लोजिंग बेसिस 49,940 होता है और आप 30 मिनट्स के हिसाब से भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो बहुत बड़े स्टॉप लॉस अपने नहीं जाएंगे। नॉर्मली मैं आवर्ली पे रखता हूँ वीकली ट्रेड प्लान पे, बट चूंकि वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई, वी कैन कीप ए स्टॉप लॉस अबाउट 49,650 और 49,700 एंड पहला टारगेट हम लोग वॉच करेंगे 48,600 एंड सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ पे वॉच करेंगे 47,882 के लिए अपकमिंग वीक के लिए।
तो ये है गोल्ड का ट्रेड प्लान दोस्तों, एंड नाउ विल जंप ऑन टू सिल्वर। देखिए दोस्तों, आवरली में सिल्वर में आफ्टर ए ह्यूज रन अप, जो कि मेरे यहाँ से बाई बाई सिग्नल चल रहा था एंड इट गेव अराउंड 1,000 to 200 पॉइंट 2,000 पॉइंट, फाइनली एक सेल आया। बट मैं एक सेल पे ट्रेड नहीं लेता, आई नीड अ मोर सेल सिग्नल हियर, क्योंकि मेरे को 30 मिनट्स में अभी तक एक भी सेल सिग्नल मिला नहीं है। आई हैव नॉट गॉट ए सेल सिग्नल, सिंगल सेल सिग्नल है। जैसे यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना, बाई सिग्नल बना, कॉन्स्टेंट बना, मेरे को दो दो सिग्नल्स एक साथ चाहिए दो बार। वंस इट इज अ कंफर्मेशन, यहाँ पे बना सेकंड, मेरे को जब कंफर्मेशन मिल गया, देन वी गॉट लॉन्ग हेयर 57,000 एंड वी गॉट 58,370। तो मेरे को अभी तक 30 मिनट्स में कोई भी सेल सिग्नल मिला नहीं। आवरली में एक सेल सिग्नल हो रहा है, तो नेक्स्ट ये 1 आवर का कैंडल बहुत ही क्रूशियल है। बट नेवरदलेस, अगर हम लोग डेली चार्ट में डाइव करते हैं, डेली चार्ट ने वंस अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लॉक किया है। इट इज अबाउट टू ब्रेक इट्स शॉर्ट टर्म ईएमए। अगर इस शॉर्ट टर्म ईएमए को सिल्वर ब्रेक करता है, देन देयर विल बी एन एस्केलेशन एंड 54,000 के करीब का करेक्शन ड्यू हो जाएगा। तो और मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, तो दोस्तों देखिए वीकली चार्ट में सिल्वर ने क्या किया, इट फॉलोड, इसने ये इमीडिएट छोटा सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो अगेन इट टेस्टेड दिस लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन इट अगेन कोलैप्स्ड। तो ये वीक का क्लोजिंग बहुत ही गंदा तरीके से हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक सेलिंग बहुत एस्केलेट होने वाला है सिल्वर में। तो सिल्वर में मैं यहाँ पे 56,257 है सिल्वर में, मैं यहाँ पे एक सेल की सलाह दूंगा। मैं बोलूंगा कि गो शॉर्ट इन सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक। अगर आज का क्लोजिंग अगर यहाँ पे नीचे बंद हो जाता है ना, 56,000 के नीचे बंद हो जाता है, गो शॉर्ट इन सिल्वर विद एन स्टॉप लॉस ऑफ 56,800 और 900। कीप अ टारगेट, इनिशियल टारगेट विल बी 53,000 के करीब का टारगेट मेरे को दिख रहा है, दिस सपोर्ट जो 54,200 एंड देन 53,000 अप्रोक्स। तो सिल्वर में भी बियरिश व्यू है, टारगेट्स मैंने आपको बताया 54,200 देन 53,000। गोल्ड भी बियरिश व्यू है, सिल्वर भी बियरिश व्यू है, बट लेट द क्लोजर, सिल्वर में 56,000 के नीचे क्लोज आना चाहिए। ठीक है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज रीलिंग वेरी बैडली एंड डेली में जो भी रिवर्ट बाउंसेस थे, जो भी बाउंस ऑन द शॉर्ट टर्म ईएमएस था, वहां से टच कर करके ये गिर गया है। मेरे डीटीटीएस सिस्टम में इस कॉन्स्टेंटली सेल दे रहा था, आज भी देखोगे यहीं से 6700 से सेल देते 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 6400 आ गया। और अगर आप, मैं जो लोग डे ट्रेडिंग है, देखिए 5 मिनट्स में देखिए सिंसेयर, दो सिग्नल्स सिंसेयर 6790, छोटा स्टॉप लॉस में ट्रेड चले ही जा रहा है, कॉन्स्टेंट चले जा रहा है। तो क्रूड ऑयल पे अपने पहले हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। सी, क्रूड हैज ब्रोकन पास दिस सपोर्ट जोन, बट अभी क्रूड के लिए ये सपोर्ट जोन बहुत ही महत्व रखता है एंड दिस इज दिस जोन, क्रूड हैज रीच दिस जोन। ये क्रूड क्रूड के लिए दिस जोन 6400 एंड 6350 to 6400 इज वेरी वाइटल, क्योंकि क्रूड में नहीं टूटना चाहिए एंड क्रूड में नेक्स्ट वीक यहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो अपने को क्रूड में क्या देखना है, क्रूड सपोर्ट जोन के पास आया हुआ है, अपने को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आवरली में जाना है। हम लोग को ये देखना है कि आवरली में क्रूड ऑयल क्या बिहेव करता है, अभी तो सेल सिग्नल चल रहा है। नेक्स्ट वीक एक बाई सिग्नल, इफ आई गेट अ बाई सिग्नल, क्योंकि मेरे को एक बाई सिग्नल मिलेगा तो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन क्रूड। ठीक है, क्रूड ऑलरेडी इट हैज करेक्टेड एंड इट हैज रीच्ड अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया 6350 से 6400, क्रूड के लिए बहुत वाइटल सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करके क्रूड को घूमना है एंड नेक्स्ट वीक में अगर ये सपोर्ट जोन टेस्ट करके घूमता है, 100 पॉइंट का बफर दीजिएगा 6250 और मे बी 6200 और क्रूड को लॉन्ग करिएगा। क्रूड कैन अगेंस्ट बाउंस बैक टिल 6500 और मे बी 6690। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी मेरे लिए क्रूड बाई रहेगा,
गोल्ड सिल्वर में सेल रहेगा कि तो क्रूड में बाई रहेगा, बिकॉज इट हैज रीच्ड अ क्रूशियल सपोर्ट जो। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये कमोडिटी एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ आपको इसमें कहीं कुछ और जानना है तो आप कमेंट करिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू रिवर्ट बैक। तो दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इस कमोडिटी एनालिसिस से कुछ फायदा मिल सके। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव अ अपकमिंग प्रॉफिटेबल वीक।